अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ सुमरो है और मैं अभी इटली के शहर सियाना में मौजूद हूँ। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, पाकिस्तान में, और मैं यहाँ अभी सियाना में इटली में मास्टर्स करने आया हूँ। और तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया ही लॉकडाउन पे चली गई है, तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये इटली के लोग लॉकडाउन को कैसे फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन हमें स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को जैसे कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए जाने दिया जाता है दिन में एक दफ़ा। तो यहाँ पे एक ये फॉर्म है जो आपको लेके चलना पड़ता है। अगर आपके पास ये फॉर्म मौजूद नहीं होगा तो शायद पुलिस आपको रोक ले या चालान कर दे। तो जैसा कि मुझे डेली एक दफ़ा ही निकलने का चांस मिलता है कैंटीन से खाना लेने के लिए, तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों के लिए उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग लॉकडाउन को कैसे फॉलो किया हुए। ये अभी सड़कों का ये मंज़र है कि यहाँ पे लोग गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलते, अपने काम से निकलते हैं। कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी सब कुछ बंद है, बाहर पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है। ये कुछ रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं जो बंद पड़े हुए हैं। ये सामने एक रेस्टोरेंट है जो अभी बंद पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, इनको इजाज़त नहीं मिली खोलने के लिए। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दुकानें खोलने की इजाज़त है, जैसे कि सामने फार्मेसी है, ये फार्मेसी और सुपरमार्केट वगैरह खुली हुई हैं, जैसे ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। बाकी तकरीबन सारी जो जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने हेयर सैलून हैं, सब बंद हुए हैं। ये एक सुपरमार्केट है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों ने किस तरह डिस्टेंस रखा हुआ है। हमें भी अपने मुल्क में अपने भाइयों से यही गुजारिश है कि इस तरह डिस्टेंस रखा करें, बजाय इसके कि रश लगा के सामान लेने के चक्कर में। तो मेहरबानी करके इनसे कुछ सीखें। ये देखें कितना डिस्टेंस रखा हुआ है, कम से कम भी 1 मीटर से ज़्यादा हर किसी ने डिस्टेंस रखा हुआ है। और अपना सामने इसका एंट्रेंस है सुपरमार्केट का, एक एक बंदा अपना अंदर छोड़ा जाता है, एक बंदा लेके सामान निकलेगा फिर दूसरा जाएगा। ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, तो हर वक्त यहाँ पे कम से कम भी 100 से 200 अफराद यहाँ मौजूद होते हैं, तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं। हर मुल्क से आते हैं यहाँ पे, पूरे यूरोप से आते हैं घूमने के लिए। और अभी आपके सामने है कि यहाँ पे कितना वीराना है। और यही भलाई है, ये लोग समझ गए हैं कि घरों में बैठना ही इस बीमारी का हल है। तो आपको भी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके संजीदा लें इस बातों को, बाहर कम से कम निकला करें। यह हमारी कैंटीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये टेप लगा के डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है कि इस जगह पे आप खड़े हो सकते हो इतने डिस्टेंस पे। यहाँ से डेली एक दफ़ा खाना लेके जाता हूँ मैं, सुबह का भी और रात का भी, क्योंकि दिन में एक एक टाइम ही निकलने का मौका मिलता है। ये सियाना की एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है जिसको मतलब सेंटर कहते हैं, सियाना का सेंटर। यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ बार्स हैं जो अभी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे हर साल ये सियाना की ये चीज़ मशहूर है कि यहाँ पे हर साल घोड़ों की रेस की जाती है गर्मियों में। जैसे ही गर्मी आती है तो घोड़ों की रेस होती है ठीक इसी जगह पे, लेकिन इस साल यही लग रहा है कि शायद वो भी ना हो पाए। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है, लेकिन कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुतासर हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इटली में लोगों ने किस तरह लॉकडाउन किया हुआ है और किस तरह उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जो अहकाम हैं उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी आप पाकिस्तानी भाइयों से, हमारे भाइयों से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके हुकूमत का अभी साथ दें कि कुछ दिन की बात है, घरों में रहें, खुद भी सेफ़ रहें, बच्चों को सेफ़ रखें, हमारे बुज़ुर्गों को सेफ़ रखें। जैसा कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से इन्होंने वो चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, लोग रश नहीं करते मार्केटों पे, एक दूसरे से फासला रखें, एक एक मीटर कम से कम फासला रखें और अपनी हिफाजत करें। अभी जैसा कि गवर्नमेंट का आप ताउन करेंगे तो ये है कि जैसे हमारी आर्मी दूसरे कामों में दूसरे लोगों की मदद कर सकती है, जैसा कि गरीब और मुस्तक लोग हैं जिनके घरों में खाना नहीं है, राशन नहीं है, उनके घरों में राशन पहुंचा सकते हैं, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से जिनका कारोबार बंद पड़ा हुआ है या कामकाज नहीं है। तो मेहरबानी करके आप सबसे गुजारिश है, खुदारा मेहरबानी करके घर में बैठ जाएं,
अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। कुछ दिन के लिए साथ दें गवर्नमेंट का, मुश्किल वक्त है, ये भी गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। सो आप सबसे यही गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें और हुकूमत से तआवुन करें। अल्लाह हाफिज़।